प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले कई महीनों से हम प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु यीशु के जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हिंदी में अपन उसको बहुआयामी व्यक्तित्व बोलते हैं, मल्टी डाइमेंशनल पर्सनालिटी। कोई भी लेखक, एक या अनेक लेखक, इस तरह के एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं लिख सकता। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के बारे में चार लेखकों से लिखवाकर हमको प्रभु की जीवनी दी, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना। लेकिन समाप्त नहीं हुआ। प्रभु यीशु की जीवनी इन चार गॉस्पेल्स में नहीं है। इसके अलावा पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु के जीवन के बारे में इशारा करती है। और उसके अलावा प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु के बारे में कई रेफरेंसेस आए हैं। पौलुस के द्वारा, पत्रस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, यहूदा के द्वारा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो पत्रियां लिखवाई है, उन सब में प्रभु यीशु के बारे में हमको वर्णन मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु की जीवनी का अध्ययन करना हो तो इन सबको कंबाइन करना होगा। जैसा मैंने इसके पहले आपको बताया था, बहुत सारे लेखकों ने बहुत अधिक श्रम करके प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु के वचन में जो कुछ लिखा है, उन सबको कंबाइन किया है। मैं उस कंबाइंड जीवन चरित्र में से एक एक करके घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरह से एक बहुत बड़ा विद्वान प्रभु यीशु के पास आया। उस विद्वान ने प्रभु से बात की। कैसा विद्वान था? कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने नियम का महापंडित है और जिसने कम से कम उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की पांचों पुस्तकें याद कर रखी थी। इतना ही नहीं, जब हम निकोदेमुस का जीवन देखते हैं तब एक बात हम देखते हैं, वो एक बहुत ही आदर्श नोबल कैरेक्टर था। डरता था लोगों से, लेकिन जब जरूरत जब पड़ती थी तब तब वो दौड़ के आ जाता था। इतना महान व्यक्ति था। और हमने देखा कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद जब प्रभु का शरीर उसको संस्कार के लिए ले जाने से पहले लगभग 50 सेर, जो कि आज की हमारी भाषा में लगभग 40 किलोग्राम होगा, मैंने पिछले हफ्ते गलती से 25 किलोग्राम बोला, 40 किलोग्राम के करीब होगा, शरीर पर लेपन किया, जिसका मतलब है उसके घर में इसके लिए तैयारी चल रही थी। और ये एकदम से बन नहीं जाता, रेडीमेड नहीं मिलता था। इस तरह का एक नोबल व्यक्ति था। जब निकोदेमुस से बातचीत हो गई, उसके बाद की घटना यूहन्ना के तीसरे अध्याय के 22 से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित शुभ संदेश के तीसरे अध्याय के 22 से। नहीं, अभी पढ़ने का समय नहीं हुआ है, मैं बोल दूंगा पढ़ने के लिए। यूहन्ना, जब मैं बोल रहा हूं, आज मैं यूहन्ना नाम दो अलग अलग तरीके से लूंगा। नंबर वन, इस गॉस्पल को, इस सुसमाचार को जिसने लिखा है, उस व्यक्ति का नाम यूहन्ना है। ये एक्चुअली प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से जो शिष्य हैं, उन्होंने ये गॉस्पेल लिखा था। शिष्यों में ये बुद्धिजीवी थे, तो इस कारण यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने ये शुभ संदेश लिखवाया। लेकिन इसी में
हम एक और यूहन्ना के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 3:22-23 को मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। 23, और यूहन्ना भी शालेम के निकट बपतिस्मा देता था। याद रखिए, यहाँ यूहन्ना नाम जो है ये इस गॉस्पल के लेखक का नाम नहीं है। बाइबल में हम कई यूहन्ना को देखते हैं। एक है जॉन मार्क, एक है यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु की जीवनी लिखी और जो 12 शिष्यों में से एक थे। एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। प्रभु यीशु की सेवा से संबंधित एक बहुत ही बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु यीशु के बारे में सारी दुनिया के समक्ष घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने भेजा था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, याद रखें, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। एक बात बताइए, यदि आप किसी बहुत बड़ी आप कोई बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, उस सभा के बारे में प्रचार और प्रसार का काम आप किसको देंगे? प्रचार और प्रसार का काम आप उस व्यक्ति को देंगे जो कि आपको अच्छी तरह से जानता हो और जनता के समक्ष ये सारी बातें प्रॉपरली रख सकता हो। तो प्रभु यीशु, संसार के सृष्टा, संसार के प्रभु, जो यहूदियों का मसीहा है, वो जब संसार में पधारे तो उनके लिए घोषणा करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था, वो व्यक्ति कितना महान होगा। यह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैंने उस व्यक्ति की महानता के बारे में आपको इसलिए बताया कि आगे उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें हम देखेंगे जो देखकर हमको ताज्जुब होगा। हम अध्ययन प्रभु यीशु के जीवन का कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के जीवन का सही सही अध्ययन करने के लिए प्रभु, जब 3.5 साल प्रभु ने जब सेवा की, तब प्रभु से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रभु के बारे में क्या देखा, क्या सोचा, इन सब बातों के बारे में भी जानना जरूरी है। 24वें पद में हम देखते हैं यूहन्ना उस समय तक जेलखाने में नहीं डाला गया था। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इसलिए कहा गया क्योंकि यूहन्ना सब जगह जाकर घोषणा करते थे, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो चूंकि यूहन्ना ने मन फिराओ और बपतिस्मे के बारे में रिपीटेडली कहा, इस कारण सब लोग उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु के आगमन की घोषणा करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति था, वो के आम व्यक्ति नहीं था। प्रभु ने, यीशु ने तो यहां तक कहा था कि पुराने नियम में कहा है कि मसीहा के आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा, और प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि देखो, जो एलिया आने वाला था वो यही है। इसका मतलब यह हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी भी तरह से कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। अब एक तरफ तो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे कुछ, और प्रभु यीशु बपतिस्मा दे रहे थे, और 25वें पद में हम देखते हैं यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के मामले में वाद विवाद हुआ। तब क्या हुआ, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, 26वां पद, हे रबी, जो व्यक्ति यर्दन के पास तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। ये पृष्ठभूमि है। यूहन्ना से जाके यूहन्ना के शिष्यों ने और अन्य लोगों ने कहा कि आप जिस व्यक्ति के बारे में गवाही दे रहे हैं, वो व्यक्ति स्वयं बपतिस्मा दे रहा है।
अब आरंभ होता है आज का अध्ययन। इसको सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जवाब क्या था? नंबर 27वां पद, यूहन्ना तीसरा अध्याय 27वां पद। एक्चुअली हम 27 से लेकर 30 तक देखेंगे। 27वें पद में हम देखते हैं यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना स्वयं बता रहे हैं कई बातें प्रभु यीशु के बारे में। पहली बात, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ नहीं पा सकता। इसका क्या मतलब है? वे प्रभु यीशु जो वहां बपतिस्मा दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि उनको स्वर्ग से दिया गया है। लोगों ने जाके उनसे पूछा, आप बपतिस्मा दे रहे हैं, वो भी बपतिस्मा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को स्पष्ट किया, उनको मतलब प्रभु यीशु को स्वर्ग से दिया गया है, और चूंकि स्वर्ग से दिया गया है इस कारण तुम लोग काहे को फिक्र करते हो। अगली बात, तुम तो आप ही मेरे, ये 28वें पद में है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो, मैंने कहा मैं मसीह नहीं, मसीह के आगे भेजा गया हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनको स्वर्ग से दिया गया है इस कारण वे कर रहे हैं, मुझे स्वर्ग से भेजा गया है। दोनों में बहुत फर्क है, इस बात को याद रखें। प्रभु यीशु को स्वर्ग से मिला है, मुझे स्वर्ग से भेजा है, ये दो अलग अलग बातों का, अलग अलग शब्दों का प्रयोग यूहन्ना ने जो किया वो इस बात को बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस बात को बहुत स्पष्टतया जानते थे कि वे क्या हैं और प्रभु यीशु क्या हैं। तीसरी बात, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, मतलब प्रभु यीशु के बारे में वो क्लियरली बोलते हैं कि प्रभु यीशु दुल्हा है, मतलब लीडर है। लेकिन दुल्हे का मित्र खड़ा हुआ उसकी सुनता है, मतलब मैं, मेरी हैसियत दुल्हे की हैसियत के समान नहीं है, मैं तो सिर्फ दुल्हे का मित्र हूं। चौथी बात है। उसके बाद पांचवी बात हम देखते हैं, दुल्हे के शब्द से मित्र बहुत हर्षित होता है। छठी बात, मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। सातवीं बात, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। देखिए, एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहे थे, एक और प्रभु यीशु बपतिस्मा दे रहे थे। लोगों ने जाकर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा कि महाशय वो भी बपतिस्मा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कम से कम 7 अलग अलग बातें प्रभु यीशु के बारे में बताई। एक्चुअली इन 7 बातों का अध्ययन जरूरी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के बारे में बहुत स्पष्टतया जानता था कि वो मसीहा है, और उसने कम से कम 7 गुण प्रभु यीशु के गिनवाए। फिर से मैं याद दिला दूं, स्वर्ग से दिया गया है, मैं मसीह नहीं हूं, वो दुल्हा है, मैं दुल्हे का मित्र हूं, उसके शब्द से हर्षित होता हूं, मेरा हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि मसीहा बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना के जीवन में प्रभु यीशु के बारे में कितना ठोस निश्चय था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को हम देखेंगे, मत्ती 11:1-2। एक्चुअली दूसरा पद पर्याप्त है, दूसरे पद में हम देखते हैं यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की, दूसरे की बाट जो है, कौन है जिसने प्रश्न पूछा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस घटना से शायद हफ्ते भर पहले की बात है,
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु के बारे में कम से कम 7 बातें बोली थी, प्रभु को स्वर्ग से दिया गया है, वे दुल्हा है, मैं तो सिर्फ दुल्हे का मित्र हूं, मैं देखकर आनंदित होता हूं, यह अवश्य है कि वो बड़े और मैं घटू, ये यूहन्ना का जो संदेश था उसमें हमेशा बार बार आने वाला एक थीम था, अवश्य है कि वो बड़े मैं घटू, मैं उसकी जूती के फीते के बंद खोलने या बांधने के योग्य नहीं हूं। लेकिन वही यूहन्ना, उन्होंने जो आखिरी गवाही दी थी, 7 बातें बोली थी, उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद प्रभु से पूछवाते हैं शिष्यों को भेजकर, जिन शिष्यों से उन्होंने कहा था कि आने वाला यह है, उन शिष्यों को भेजकर प्रभु यीशु से ये पूछवाते हैं कि जो आने वाला था वो आने वाले जो थे वो आप ही हैं या हम किसी और की बाट जो है। क्या हुआ हफ्ते भर में काया पलट कैसे हुई? हफ्ते भर में एक व्यक्ति के मन में जो जानकारी थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो क्यों जाता रहा? ये जानना हमारे लिए जरूरी है। एक्चुअली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बहुत ही बोल्डली जाकर उन्होंने मन फिराव का शुभ संदेश दिया, लोगों को मन फिराव के लिए प्रेरित किया, और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब बपतिस्मा देते थे, आम जनता उनके पास जाती थी, शास्त्री लोग जाते थे, फरीसी लोग जाते थे, इवन उस समय के सैनिक लोग उनसे बपतिस्मा लेने के लिए जाते थे। लेकिन वही व्यक्ति आज प्रभु से पूछ रहे हैं, मुक्तिदाता आप ही हैं क्या, जो कल तक इतने पावरफुल तरीके से प्रभु की घोषणा कर रहा था, ना केवल प्रभु के शुभ संदेश का लेकिन प्रभु के स्वयं के व्यक्ति के बारे में, आज उसके मन में डाउट क्यों आया? थोड़ी सी सूचना हमको मत्ती में मिलती है, जब हम देखते हैं कि जिस राजा से, जिस बादशाह से उसने कहा था कि तुम्हारा जीवन सही नहीं है, उस बादशाह ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो अचानक यूहन्ना का सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, और जब कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो उसके मन में जो निश्चय है प्रभु यीशु के बारे में वो भी गड़बड़ा गया। याद रखिए, ये सिर्फ एक दिमागी सैद्धांतिक निश्चय नहीं था, प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, ये बात यूहन्ना अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जब प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए गए थे तब यूहन्ना ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, और जब बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु पानी से बाहर आए तो आसमान से पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु पर आया तब यूहन्ना ने इस बात को फिर से समझा था कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर के पुत्र है, त्रि एक परमेश्वर से परमेश्वर का पुत्र है, ये सब जान लिया था। इसके बावजूद आज यूहन्ना पूछवा रहे हैं कि किसी और का इंतजार करें क्या? इसके बारे में और थोड़ा सा हम देखते हैं आगे, ये हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में, और वहां बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं 7वें अध्याय के 11वें पद से हम जब आगे देखते हैं, एक नाइन नाम की शहर की एक विधवा थी, उसके बेटे की अर्थी ले जा रहे थे, प्रभु यीशु ने उस अर्थी को छुआ, वे लोग वहां रुक गए, प्रभु ने कहा कि हे जवान उठ जा, और वो जवान जीवित हो गया। 15वें पद से हम आगे पढ़ते हैं, लूका 7:15 से, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। 16वां पद, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की है। मतलब जब प्रभु ने उस मुर्दे को जीवित किया, सब जगह खबर फैल गई, एक मुर्दे को जीवित कर दिया।
ये बात सारी यहूदी और आसपास के देश में फैल गई, हम प्रभु के वचन में देखते हैं। क्या हुआ 18वां पद, यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। वो यूहन्ना जो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि ये प्रभु हैं, जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से बताया था कि ये प्रभु हैं, और जिस यूहन्ना को ये खबर मिली कि मुर्दे को जीवित कर दिया, उस यूहन्ना ने, उसके जीवन में कुछ तो हुआ है। 19वां पद, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाले आप ही हैं या किसी और की बाट देखें? क्या बदलाव आया था, क्या हुआ जिसके कारण जिस व्यक्ति को भविष्यवक्ता होने के कारण ये बात पवित्र आत्मा से स्पष्टतया ज्ञात थी कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता हैं, और जिस व्यक्ति ने प्रभु के कार्यों के बारे में सुना था, और जिस व्यक्ति के बारे में यूहन्ना ने कहा कि वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, क्या कारण है? और जब उन्होंने सुना कि मुर्दे को जिला लिया है, इसके बावजूद क्या कारण है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मन में शंका हुई कि ये प्रभु यीशु हैं या और कोई है? इसका कारण हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। कारण यह है कि जब तक यूहन्ना प्रभु की सेवा कर रहे थे, तब तक उनकी नजर हमेशा प्रभु यीशु पर थी। मैं उस मुक्तिदाता का संदेश वाहक हूं, लेकिन जैसे ही यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, तो प्रभु की ओर नजर जाने के बदले नजर आसपास गई, चारों तरफ तमाम तरह के अपराधी लोग, जेल में कठोर जीवन, इस बात का डर कि शायद फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। प्रभु से जो संदेश मिला था, वो संदेश उनके दिमाग से निकल गया। वो संदेश जिस व्यक्ति के बारे में था, जिनके बारे में यूहन्ना ने कितने ही बार बोला था, जस्ट एक बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसमें कम से कम 7 बातें मैंने आपको बताई प्रभु के बारे में यूहन्ना ने बोला, जिसने पवित्र आत्मा को आसमान से प्रभु के ऊपर उतरते देखा, अचानक उसके मन में शंका आई। क्यों? इसलिए कि यूहन्ना की नजर जब वो जेल में डाल दिया, तो नजर प्रभु से हटकर अपने स्वयं के जीवन में जो दुख, दर्द और परेशानी है, उसकी ओर नजर हट गई, और इसके कारण प्रभु पर से उनका विश्वास डगमगा गया। मेरे आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ा पाठ छुपा हुआ है, और वो पाठ यह है कि प्रभु के बच्चे, जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, इवन छोटी सी बात में यदि प्रभु को देखने के बदले यदि हम अपने जीवन के दुख, दर्द, परेशानी को देखें, और यदि उसके लिए प्रभु से याचना ना करें, और उसके लिए यदि प्रभु पर आश्रय ना करें, तो हमारा जीवन इसी तरह से चंचल हो जाएगा। ये दुनिया में कई लोग जानते हैं। जानने के कारण ये जो मनुष्य की साइकोलॉजी है, इवन एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता की साइकोलॉजी है, उसका शोषण कर रहे हैं। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से कई लोगों ने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं, भाई रणजीत से जो प्रश्न पूछे हैं, मैं और भाई रणजीत अक्सर इन चीजों को एक दूसरे से चर्चा करते हैं, जिससे कि बात का थोड़ा सा खुलासा हो। उससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए यहां आते हैं, इनमें से कई लोगों की आदत है कि फ्री टाइम में ऐसे लोगों की शिक्षा भी सुनने के लिए समय देते हैं जो अपने आप को कहते तो मसीही है, लेकिन जिनका कार्य आत्मिक शोषण है। आप पूछेंगे कि ब्रदर जॉनसन,
हम कैसे जाने कि आप या भाई रंजीत आप शोषण नहीं कर रहे, वे लोग शोषण कर रहे हैं। हम आपके सामने जो रखते हैं और वे आपके सामने जो रखते हैं उसमें जरा अंतर देखिए। इस तरह के कई टीचर्स हैं टेलीविजन पर, खासकर केबल टेलीविजन पर इस तरह के प्रोग्राम्स की भरमार है, जहां प्रभु का दास अपने आप को कहना कहने वाले व्यक्ति स्टार्ट करते ही दुख, रोग, बीमारी, परेशानी, टेंशन, इन चीजों के बारे में बताता है। बताते तो हम भी हैं, लेकिन एक फर्क, इन लोगों की टीचिंग में सिर्फ यह है, दुख है, दर्द है, रोग है, परेशानी है, धन की समस्या है, प्रभु है, मुक्तिदाता है, पापी मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है, इस तरह की ये ऐसी चीजें कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे जो शिक्षक हैं, इन लोगों की शिक्षाओं को, इन लोगों के लेक्चर को सुनने के लिए कई ब्रदरन मसीही विश्वासी लोग समय देते हैं। धीरे 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 क्या होता है, प्रभु पर फोकस करने के बदले उनका सारा का सारा फोकस इन टीचर्स के कारण जीवन में जो दुख और दर्द और परेशानियां, फोकस उस पर हो जाता है। जीवन में जब मनुष्य प्रभु पर फोकस करने के बदले अपने दुख दर्द पर फोकस करता है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है, धीरे 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 उसका विश्वास डगमगाने रहता है लगता है। और जब उसका विश्वास डगमगाने लगता है, तब ये टीचर्स उसके लिए तमाम तरह के तरीके बताते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि अरे आपके जीवन में दुख है, दर्द है, आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, आपका बच्चा परीक्षा में फिर, कोई बात नहीं है। हमारे ऑफिस में से हमने प्रार्थना करके एक विशेष प्रकार का चावल तैयार किया है, वो मंगा लीजिए, आपका बच्चा रात को सोए तो तकिए के नीचे रख दीजिए और आपका बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो प्रेयर टावल है ये मुफ्त है। इस मुफ्त टावल को प्राप्त करने के लिए अपना पता और 500 रुपए का मनी ऑर्डर दान के रूप में इधर भेज दीजिए। इसको कहते हैं हिंदी में उल्टे उस्तरे से सरमुंडना। एक तरफ से तो कह रहे हैं कि मुफ्त है और उसके बाद 5 रुपए की या 50 पैसे के कपड़े की चिंदी, 500 रुपए का डोनेशन आपसे लेके वो धनी बन रहा है। अच्छा, पहले टावल आ जाता है तो उसके बाद अगला लेटर आ जाता है, आपका एड्रेस उसके डेटाबेस में आ गया कि प्रभु के दास ने डबल पावर टावल निकाला है, 1000 रुपए का डोनेशन दीजिए और मुफ्त में हम वो डबल वो पावर वाला टावल आपको दे देंगे। इन लोगों का मुख्य लक्ष्य प्रभु से आपका ध्यान हटाकर, इन ये जो फॉल्स टीचिंग देते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं, उनकी तरफ आकर्षित करके आपका सारा का सारा जीवन, अपनी जो परेशानियां है, दुख है, दर्द है, उस पर फोकस करने के लिए ये लोग सारा श्रम करते हैं। यूहन्ना जैसा महान व्यक्ति जिसने जब वो गर्भ में था तब से अपने प्रभु को पहचाना था। आपको यदि याद हो नए नियम में जब मरियम ने अपनी कजिन इलीशिबा, यूहन्ना की माँ मरियम ने अपनी कजिन इलीशिबा को प्रणाम किया, तो इलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उछल पड़ा था। तब इलीशिबा ने कहा कि मेरे प्रभु के माँ की आवाज को सुनकर मेरे गर्भ में जो शिशु है वो खुशी से उछल पड़ा। जो गर्भ से इस बात को जानता था वो लगभग 34 साल की उम्र में, 33 या 34 साल की उम्र में, इन पूरे सालों में उसने प्रभु को जाना था। अचानक उसको शंका होने लगी है कि जो आने वाला था, जो आने वाले प्रभु थे, वो आप ही हैं क्या? मुझे देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, मैं जेल में पड़ा हूं। मनुष्य का ध्यान प्रभु से हटकर जब स्वयं के जीवन की परेशानियों में हो जाता है,
तो धीरे 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 प्रभु पर से जो विश्वास है वो भी हट जाता है। इसीलिए तो यदि आपके बेटे या बेटी के जीवन में कोई परेशानी है तो बेटे या बेटी को बुलाकर अपने पास खड़ा करके उस बेटे या बेटी के लिए प्रार्थना करने के बदले किसी चोर या किसी धोखेबाज के द्वारा लूट के लिए 500 रुपया लेकर मुफ्त में जो चावल दिया जाता है, चावल भी एक बार मैंने देखा, मैंने सर पीट लिया कि उसका साइज इतना भी नहीं था, मतलब एक रूमाल को उन्होंने 12 टुकड़ों में बांटा, 12 लोगों को दिया और हर एक से 500 का नोट धरवा लिया। लोगों को मूर्ख बनाकर जो लूट हो रहा है उसके दो रिजल्ट है, एक आप लूटे जा रहे हैं, नंबर दो प्रभु से, प्रभु पर आपकी आंखें जो फोकस हो रही है वहां से आपके ध्यान को प्रभु की ओर से हटाकर आपके जीवन की समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ हुआ था। प्रभु यीशु पर फोकस करने के बदले जिस क्षण उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया, उस क्षण पिछले 33 साल उन्होंने जिस प्रभु को प्रभु के रूप में जाना था उस प्रभु के बारे में शंका होने लगी। जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा उसको प्रभु के बारे में शंका होने लगी। मैं और आप तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तुलना में कुछ भी नहीं है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। इस कारण यदि मेरे और आपका ध्यान प्रभु के बदले, यदि मेरे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उन पर केंद्रित हो गई तो समझ लीजिए प्रभु से हमारा विश्वास घटने लगेगा। आप पूछेंगे, ब्रदर आपके कहने का मतलब यह है क्या कि जीवन में समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है? जी नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। जीवन की हर समस्या के बारे में सोचना है, लेकिन हमारा फोकस ध्यान प्रभु पर होना चाहिए। ये जो शिक्षक हैं, जो आपको लूट रहे हैं, जो आपको दिशा भ्रष्ट कर रहे हैं और जो अपनी जेब भर रहे हैं, जो उल्टे उस तरह से आपको मोड़ रहे हैं, ये लोग आपका ध्यान प्रभु की तरफ आकर्षित करने के बदले आपका ध्यान आपके जीवन की समस्याओं की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इनको बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं। ये रोग के बारे में बोलेंगे, गरीबी के बारे में बोलेंगे, नौकरी ना होने के बारे में बोलेंगे, टेंशन के बारे में बोलेंगे, ये भी बोलेंगे पड़ोसी ने आपके घर में जादू टोना कर दिया है इसलिए आपके बच्चे आपसे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सब बोलेंगे। लेकिन कभी भी ये नहीं बोलेंगे, प्रिय भाई प्रिय बहन, हर व्यक्ति पापी है, उसको उद्धार की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज प्रभु यीशु से पाप क्षमा मांगिए और उद्धार पाइए और उसके बाद अपनी समस्या प्रभु के पास ले जाए। जी नहीं, उनका हमेशा कहना ये होता, अरे आपके जीवन में समस्या है, ओहो पड़ोसी ने टोना कर दिया है, उसकी और आपके पड़ोसी की बीवी की आंख सही नहीं है और इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, एक करो काम करो, जल्दी से जल्दी वो डोनेशन इधर भेज दो और हम वो मांत्रिक चावल आपको भेज देंगे, मांत्रिक पानी भेज देंगे, मांत्रिक तेल भेज देंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। वहां आपका ध्यान प्रभु से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। आज संध्या जितने भाई जितनी बहनें ये संदेश सुन रहे हैं उन सब से क्लोजिंग में मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्रिय भाई बहन, जब आपको बिलीवर्स असेंबली ग्वालियर रोज सुबह और शाम आत्मिक रूप से पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, एक से एक अच्छे गिने चुने टीचर्स को आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तब एक बिगड़े बैल के समान रास्ते में जाते हुए हर जगह मुंह मारने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस तरह से करेंगे या जो लोग करते हैं उनके विश्वास में उनको कितना लॉस हो रहा है ये हम नियमित रूप से देखते हैं। इसलिए आज सबसे अनुरोध है, वे वक्ता लोग जो आपका ध्यान प्रभु से हटाकर
आपके जीवन के समस्याओं की ओर फोकस करते हैं और जो ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं उसको हल कर दूंगा, उन लोगों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वे आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देंगे और योहन्ना बपतिस्मा जैसे महान व्यक्ति के जीवन में यदि डाउट आया, मैं और आप बहुत छोटी हस्ती हैं, हमारे जीवन में निश्चित रूप से डाउट आएगा और यही तो वे चाहते हैं जिससे कि वे अपनी जेबें भर सके। इन बातों को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह दें। मैं मंडली के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।